नमस्कार हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। महंगाई वाली जुलाई काटेगी जेल, अमूल दूध एलपीजी सिलेंडर के साथ कई चीजों के बढ़े दाम, जाने पूरी रिपोर्ट। कोरोना काल के बीच रोजगार का संकट बना हुआ है और इस बीच अब आम आदमी पर महंगाई की मार भी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल के दामों में पहले ही लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब आज से यानी नया महीना शुरू होते ही और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, जो खर्चा बढ़ाने वाला है। दूध हो या फिर बैंक की किसी सर्विस का चार्ज, जुलाई से सब महंगा हो रहा है। अमूल दूध के दाम आज से बढ़ रहे हैं। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर यूपी गुजरात, 1 जुलाई से यानी आज से अमूल के मिल्क प्रोडक्ट महंगे मिलने लगे हैं। अमूल ने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का फैसला लिया है। अमूल ने करीब 1.5 साल बाद अपने दूध के दाम बढ़ाए हैं, जिसकी जानकारी कंपनी ने बुधवार को सभी को दी। अब 1 जुलाई से यानी आज से नया दाम लागू होने के बाद अमूल गोल्ड 58 रुपए प्रति लीटर, अमूल ताजा 46 रुपए लीटर, अमूल शक्ति 52 रुपए प्रति लीटर के दाम से मिलेगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अमूल के बाद अन्य कंपनियां भी अपने मिल्क प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकती हैं। देश के सबसे बड़े बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अब पैसा निकालने पर चार्ज बढ़ा दिया है। अब ग्राहक महीने में 4 बार ही पैसा निकाल पाएगा। अगर इससे अधिक बार ब्रांच से पैसा निकाला गया तो 15 रुपए का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। सिर्फ ब्रांच ही नहीं बल्कि SBI के ATM पर भी यही नियम लागू होगा। स्टेट बैंक ने इसके अलावा चेक को लेकर भी चार्ज बढ़ाने का फैसला लिया है। अब किसी भी खाता धारक को एक वित्तीय वर्ष में 10 चेक मुफ्त में मिलेगा। इससे अतिरिक्त के लिए उसको चार्ज देना होगा। SBI के अलावा एक्सिस बैंक, IDBI बैंक ने भी अपने SMS चार्ज, लॉकर चार्ज में बदलाव किया है, जो 1 जुलाई से यानी आज से लागू होगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।